गिरडी लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरडी लोकसभा का सांसद कैसा हो। तो जहां जयराम महतो के बलिदान की बारी आएगी, सीना खोल कर उसका भाई रिजवान अंसारी खड़ा रहेगा शहादत देने के लिए। यह हमारा परिचय, ये झारखंड की तस्वीर है। ए भाई, मैं गया था, हमारा पूरा टीम गया हुआ था कोल्हान का। मैं झील के अंदर उनसे मिलकर आया, वो बच्चा रो रहा था जी, रो रहा था वो। तो बताइए, इतना डर जयराम महतो की टीम से, इतना डर भाई, क्यों ऐसा भय आ गया आपके? हम बनते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। छात्र पर कोई बात नहीं करता है, पेपर लीक पर यदि जयराम महतो मुखर होकर बात करते हैं तो फर्जी केस डालने का काम करता है। यही राज्य का पहचान है, यही राज्य के मुखिया का परिचय है। मैं कंपनियों के दलाल को इस बात को बताकर जाऊंगा आज इस धरती से कि यह आपके पिताजी का सलोया हुआ झारखंड नहीं है। इस झारखंड के लिए 88,000 शहीदों ने शहादत दिया है, तब जाकर इस राज्य की तस्वीर बनी है। यदि यह कोई कहता है कि यह राज हमें खैरात में मिला है, तो बता देना चाहते हैं कि यह राज खैरात में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानी को देने का काम किया है, तब इस राज्य की तस्वीर बनी। भगवान बिरसा मुंडा ने यदि कुर्बानी दिया है, तो शहीद शेख भिखारी ने भी कुर्बानी दिया है। निर्मल महतो ने कुर्बानी दिया है, तो कुतुबुद्दीन अंसारी ने भी कुर्बानी दिया है। कितने कुर्बानियों को मिलाने का प्रयास करोगे मेरे भाई? और आज झारखंड नव निर्माण की बात यदि हम लोग करते हैं, तो जहां जयराम महतो के बलिदान की बारी आएगी, सीना खोल कर उसका भाई रिजवान अंसारी खड़ा रहेगा शहादत देने के लिए। यह हमारा परिचय, यह झारखंड की तस्वीर है। हमने कहा था कि हम वो मुल्क से संबंध रखते हैं जिसे सोने की चिड़िया कही जाती है, और हम उस प्रदेश के निवास करने वाले झारखंडी हैं जो पूरे विश्व के मानचित्र में, इस मानचित्र झारखंड के मानचित्र का विशेष स्थान है। सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, सिकंदर के फौज में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। अरे उतना तो छोड़िए, पूरी दुनिया के दौलत में वो ताकत नहीं था कि भारत से एक निकला हुआ हीरा, एक निकला हुआ पत्थर जिसे हम कोहिनूर कहते हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी दौलत की ताकत नहीं थी कि उस पत्थर को खरीद सके। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप हमें बांटने का प्रयास करते हो। मैं जानना चाहता हूं अपने झारखंड वासियों से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इस बात को जानना चाहते हैं, और उन हुक्मरानों से भी जानना चाहते हैं जो लगातार जयराम महतो के ऊपर और उनकी पूरी फौज के ऊपर टीका टिप्पणी करवाते हैं अपने चेले चमचों से। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि श्रीमान बताइए, हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है? हमारा अपराध यह है कि झारखंडियत के मुद्दों पर हम आगे आए हैं। हमारा अपराध यह है कि हम एलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ बात किए। हमारा अपराध यह है कि हम टाटा कंपनी के खिलाफ में, उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ में बिगुल फूकने का हमने काम किया है। उनके खिलाफ हम लोगों ने धरना देने का काम किया है, अपने मजदूर भाइयों के उनके हक पर, उनके हुकूक पर, उनके अधिकार पर हमारे जयराम महतो और उनकी सेना ने बात किया है। यही अपराध है। तो मुझे बताइए, कौन कौन इस अपराध को करने के लिए आगे आएंगे, बताइए मुझे आप। झारखंड में जब इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा है, तो यह अपराध नहीं है, यह हक बात है, यह अधिकार पर बात हम लोगों ने किया है, हमारे लिए गुनाह की कोई बात नहीं है। यदि यह अपराध है, तो इस अपराध को हम तमाम झारखंड के लोग करेंगे। आप अपराधियों के श्रेणी में हम लोगों को रखने का काम कीजिए महोदय, हम लोग तैयार हैं। कम समय है, आदिवासी हितैषी सरकार कहने वाले आज आदिवासियों के साथ आपके चंपाई सोरेन की बात करेंगे, क्योंकि वो शायद यही इलाके से आता है, आपके बगल के विधानसभा से। मैं जानना चाहता हूं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, कि आप कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी
मुस्लिम हितैषी सरकार है, मुस्लिमों के सुरक्षा पर बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा पर बात करते हैं, लेकिन यही कंपनियों की जब हम लोग बात करें और कंपनियों में यदि हमारी जमीन चली जाती है और टाइगर जयराम महतो का सेना यदि उसके विरोध में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए हुक्मरानों के खिलाफ में और ये दमनकारी कंपनियों के खिलाफ में यदि चरमबद्ध आंदोलन की तैयारी करते हैं, अपनी आवाज को यदि बुलंद करने का एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अफसोस के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारे माड़ी जैसे नौजवान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यही तस्वीर है आपकी, यही तस्वीर है आपकी। बताइए उन नौजवानों का क्या दोष था, उन माओं का क्या दोष था, उन बहनों का क्या दोष था जो आज लगभग 2 महीने से जेल के सलाखों के पीछे पड़ा है। आपका दिल नहीं रोता है माननीय कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये आपकी माए हैं। अरे भाई मैं गया था, हमारा पूरा टीम गया हुआ था कोल्हान का, मैं झील के अंदर उनसे मिलकर आया, वो बच्चा रो रहा था जी, रो रहा था वो। तो बताइए इतना डर जयराम महतो की टीम से, इतना डर भाई क्यों, ऐसा भय आ गया आपके, क्यों आ गया आपके अंदर? इसलिए कि आपको लूट लूट कर आदत था मान्यवर, आपको लूट लूट कर आदत था, लूट कर खाने की आदत पड़ी हुई थी। टाइगर जयराम महतो का सेना जैसे ही आया, आगे आया, कंपनियों के अफसरों की बोलती बंद हो गई। यही जेबीकेएसएस का परिचय आपको बताते चले। कम समय में इजाजत है अध्यक्ष महोदय, कम समय चाहिए क्योंकि इनका भी संबोधन बड़ा बेहतर होता है और हम लोग दादा से ही सीखते हुए आए हैं इन 2 वर्षों में। अब बताइए, हम लोग किसी पद पर पदस्थापित नहीं है, ना तो हम एमपी हैं, ना एमएलए है, ना मुखिया है, ना जिला परिषद है, ना चेयरमैन है, लेकिन जहां भी ना कंपनियों का अत्याचार होता है हमारा पूरा सेना खड़ा रहता है झारखंडियत के ज्वलंत विषयों पर, झारखंड के मुद्दों पर। हम लोग ना तो किसी संवैधानिक पद पर है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी सेना आगे आती चली गई, काम होता गया। आज 12.5 करोड़ रुपया हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं इस प्रदेश के लोगों को, 12.5 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने दिला दिया, 800 से 1000 नौकरी हम लोग दिला चुके हैं। ये टाइगर जयराम महतो का परिचय है भाई। उसमें ऐसा थोड़ी है कि महतो समाज के लोगों को ही सिर्फ मुआवजा मिला है, मुस्लिमों को भी मिला है, आदिवासियों को भी मिला है, दलित भाइयों को भी मिला है, तमाम जाति वर्ग की बात हम लोग किए हैं। और झारखंड के लिए भाई एक बात मैं जानता हूं कि यदि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी आगे आए तो वो पूजनीय है, यदि मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे तो वो पूजनीय है। कोई जाति विशेष की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, हम लोग सारे लोगों को लेकर चलने का बात किए हैं और आपको इस बात को बताकर जाएंगे आज इस धरती से, आज इस जमशेदपुर की धरती से इस बात को कहकर जाएंगे कि जिस दिन आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला उस दिन झारखंड की तस्वीर बदलेंगे और इस रूप में तस्वीर बदलेंगे कि ये अपराधी किस्म के नेता और ये दलाल किस्म के अगुवाकारी नेता कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। हम लोगों को कभी ये शौक नहीं लगा था, हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा था कि हम लोग विधायक बनेंगे, हम लोग कभी इस बात की पुष्टि नहीं किया था हम लोगों ने कि हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नियति की ये देन थी कि टाइगर जयराम महतो को विनोद बिहारी के रूप में लेकर आया है। ये उनका परिचय है कि बिना किसी पद पर रहे 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला दिया है। ये बंदा जैसे ही दिल्ली कुछ करेगा आपके आशीर्वाद से इनकम आजाद नहीं ना हो रही है, इन कंपनियों के दलाल और कंपनियों के अफसर के पॉइंट में यदि 1 नंबर नहीं कर दिए तो राजनीतिक से संन्यास करवा दीजिएगा, ये तैयारी। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं तफसील पूर्वक बात को रखूं, इंशाल्लाह फिर बात होगी तो आपके बीच में नाचीज की हाजिरी होगी। बस कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ये साफ साफ कहती है
कि जमीन जिसकी है अधिकार उनका होना चाहिए, यदि उनकी इजाजत नहीं होती है तो कोयले का एक ठटाक भी आप उठाकर नहीं ले जा सकता है, ये आपका कानून कहता है। कहा गया आपका कानून? सीएनटीएसपीडी एक्ट की बात करने वाले, आज रांची चले जाइए, जमशेदपुर में आप देख लीजिए, रांची चले जाइए, दमयंती मुंडा जी आई हुई है, पूछ लीजिएगा SC ST के जमीनों को किस रूप में धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। रांची में एक भी जमीन खाली नहीं है। किनका जमीन था? आदिवासियों की जमीन था, मूल वासियों का जमीन था, लूट लिया गया। छात्र पर कोई बात नहीं करता है, पेपर लीक पर यदि जयराम माधव मुखर होकर बात करते हैं तो फर्जी केस डालने का काम करता है। यही राज्य का पहचान है, यही राज्य के मुखिया का परिचय है। हम लोग दिल्ली की बात किए हैं, दिल्ली की तैयारी हम लोग करेंगे और बेहतर रूप से हम लोग तैयारी के लिए लगे हैं। आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे, आशीर्वाद जिस दिन आपका लगा उसी दिन इंशाअल्लाह ताला इतिहास रचेंगे और बेहतर रूप से इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय से हमारा इंतजार किया, हमारी नाचीज बातों को सुना, आप हमारे बकवास को सुने, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता हूँ, दिल के गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ, सबों को सलाम करता हूँ। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और साहब हम युवा हैं, हमें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय झारखंड। एक बार जोरदार तालियों से आप कह गए हाथ उठाकर, इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, इस राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, और गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो। अरे भाई पीछे से डर लग रहा है क्या? पूरा हाथ उठाइए दोनों हाथों को। मेरी आवाज कम थी नहीं तो अभी और बोलते हैं, मेरी आवाज इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं पूरा बात करूं। जोर से, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय झारखंड, हरे राम हरे हरे, जय राम एक चर्चा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान क्रांतिकारी दादा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने युवाओं के अंदर आग जलाने का काम सिर्फ